जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। देन ये आप लोगों को लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है। लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड करके लिरिक्स वीडियो के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिस फोटो से वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट करके नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोग एकदम लास्ट पे जाना है, नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है। देन आपका जो नीचे फोटो है उस फोटो पार्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन इसका ड्यूरेशन इस तरह से खींच के थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। देन ऐसा डाल करके फिर से फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन गाइस नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोग टोटल 8 बीटमैप को ऐड करना है। तो कहाँ पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर 14.20 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले जाना। तो फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करो तो बिटमार्क ऐड हो जाएगा। फिर से आप लोग को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के बिटमार्क की तरफ चले जाना है। देन यहाँ पे ऊपर में सेकंड बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आप लोगों को स्प्लिट ऑप्शन देने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है ये दो हिस्सों में हो जाएगा। फिर से ऊपर में नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है। फिर से नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को कट करना है। तो इस तरह से आप लोगों को सारे बिटमार्क के ऊपर जाके फोटो को कट कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से सारे फोटो को बिटमार्क के हिसाब से कट करने के बाद आप लोगों को लास्ट पे जाना है। देन आपका सॉन्ग जितना दूर है उतना दूर फोटो को क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरह से। देन ऐसे डन करके फर्स्ट पोजिशन पर चले आइए। अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे बहुत सारा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा, तो कोई भी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा खींच करके लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। देन नीचे ड्यूरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लेना। तो ड्यूरेशन को माइनस करने को तो नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। देन आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर आ जाना है कुछ इस तरह से। नीचे थर्ड नंबर पे इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन फोटो को खींच करके पहले फर्स्ट पे ले आना है। नीचे आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, तो ये जो फर्स्ट फोटो पार्ट है इसके ऊपर आप लोगों को डिजिटल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इधर से थोड़ा सा ढूंढ के डिजिटल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसका ड्यूरेशन इस तरह से खींच के जितना दूर हो सके कर लेना है। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे जो सेकेंड फोटो पार्ट है इसके ऊपर आप लोगों को जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है। देन इसका ड्यूरेशन खींच के ये जितना दूर हो सके कर लेना है। देन फिर से यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है। देन इधर से आप लोगों को फिर से रिपीट करना है डिजिटल इफेक्ट को। तो फर्स्ट फोटो के ऊपर डिजिटल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट फोटो के ऊपर जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर से आप लोगों को डिजिटल को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट फोटो के ऊपर फिर से आप लोगों को जूम इन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जितना भी फोटो है सारे फोटोज के ऊपर इन दो इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से सारे फोटो पार्ट के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। देन खींच करके एकदम फर्स्ट पे आ जाना है। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है, तो इफेक्ट वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो और फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। देन यहाँ से डाउनलोड किए हुए इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इफेक्ट वीडियो ऐड हो जाने के बाद नीचे थोड़ा सा खींचता के यहाँ पे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में करना है। देन फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से स्क्रीन को सिलेक्ट करके डन कर लेना है।
देन आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वीडियो का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।